वेलकम टू फैक्ट वर्ल्ड। दोस्तों कहते हैं कि आस्था में वो शक्ति होती है जो हर कठिन परिस्थितियों के बावजूद भक्त को भगवान के पास ले जाती है। यही वजह है कि देश में कई धार्मिक स्थलों की मुश्किल यात्रा के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, चाहे वह यात्रा कितना भी कठिन क्यों न हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की 10 सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं के बारे में। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बगल के बेल आइकन को दबा दे, जिससे वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस लिस्ट में जो तीर्थ यात्रा नंबर 1 पर है वो है कैलाश मानसरोवर की यात्रा। यह भारत के सबसे दुर्गम तीर्थ स्थलों में से एक है। पूरा कैलाश पर्वत करीब 48 किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 4,556 मीटर की है। इस यात्रा का सबसे अधिक कठिन मार्ग भारत के पड़ोसी देश चीन से होकर जाता है। इस यात्रा के बारे में कहा जाता है कि वहाँ यही लोग जा पाते हैं जिसको बाबा स्वयं बुलाते हैं। और आपको बता दें कि यह यात्रा कुल 28 दिनों की होती है, जो कि काफ़ी कठिन होती है। दोस्तों इस लिस्ट में जो यात्रा नंबर 2 पर है वह है अमरनाथ की यात्रा। अमरनाथ भी बेहद दुर्गम तीर्थ स्थलों में से एक है। दोस्तों आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा समुद्र तल से 13,600 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ तापमान अक्सर शून्य से नीचे चला जाता है और बारिश और भूस्खलन कभी भी हो सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि 2022 में ही अमरनाथ यात्रा में करीब 20 से अधिक लोगों की जान भूस्खलन के कारण गई और काफ़ी लोग अभी भी लापता हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि यह जगह सुरक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी संवेदनशील है। यहां पर जाने के लिए यात्री को पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है। और दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर बीमार और कमज़ोर लोगों को अक्सर वापस लौटा दिया जाता है, इसलिए इस लिस्ट में यह यात्रा नंबर 2 पर है। इस लिस्ट में जो यात्रा नंबर 3 पर है वह है वैष्णो देवी की यात्रा। वैष्णो देवी जम्मू कश्मीर के कटरा जिले में स्थित हिंदुओं का प्रमुख तीर्थस्थल है। यह मंदिर करीब 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और दोस्तों आपको बता दें कि माता का दर्शन करने के लिए काफ़ी ही दुर्गम रास्तों से आपको गुजरना पड़ता है, इसलिए कठिन यात्राओं की लिस्ट में यह नंबर 3 पर है। दोस्तों इस लिस्ट में जो दुर्गम यात्रा नंबर 4 पर है वह है शिखर जी की यात्रा। झारखंड के गिरिडीह जिले में छोटा नागपुर पठार पर स्थित शिखर जी की यात्रा काफ़ी कठिन मानी जाती है और यह विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल है। 1350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह पहाड़ झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान भी है, इसलिए इस लिस्ट में यह नंबर 4 पर है। दोस्तों इस लिस्ट में जो यात्रा नंबर 5 पर है वह है पावागढ़ की यात्रा। गुजरात की प्राचीन राजधानी चंपारण के पास स्थित पावागढ़ मंदिर वडोदरा शहर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर और पहाड़ की ऊंची चोटी पर स्थित है। काफ़ी ऊंचाई पर बने इस दुर्गम मंदिर की चढ़ाई काफ़ी कठिन होती है और यहाँ पर भक्तों को जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, इसलिए इस लिस्ट में यह नंबर 5 पर है। दोस्तों इस लिस्ट में जो यात्रा नंबर 6 पर है वह है नैना देवी की यात्रा। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में शिवालिक पर्वत श्रेणी की पहाड़ियों पर स्थित माँ नैना देवी का मंदिर है। यह देवी के 51 शक्तिपीठों में भी शामिल है और यहाँ पर जाना काफ़ी कठिन होता है और यहाँ पर जाने वाले भक्तों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, इसलिए इस लिस्ट में यह नंबर 6 पर है। दोस्तों इस लिस्ट में जो यात्रा नंबर 7 पर है वह है हेमकुंड साहिब की यात्रा। हेमकुंड साहिब सिखों का पावन धाम है। यहाँ पहुँचने की यात्रा बहुत ही दुर्गम होती है। यह तकरीबन 19 किलोमीटर की पहाड़ी यात्रा है और दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर जाने के लिए पैदल यात्रा ही तय करनी पड़ती है और यहाँ पर जाने वाली यात्रियों की जान की खतरा हमेशा बनी रहती है। दोस्तों इस लिस्ट में जो कठिन तीर्थ स्थल नंबर 8 पर है वह है बद्रीनाथ। उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नर और नारायण दो पर्वत श्रेणियों के बीच बद्रीनाथ देश का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ पहुँचना भी काफ़ी कठिन और दुर्गम है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इस मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। दोस्तों इस लिस्ट में जो तीर्थ स्थल नंबर 9 पर है वह है गंगोत्री और यमुनोत्री की। गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों ही उत्तरकाशी जिले में हैं। दुर्गम चढ़ाई होने के कारण श्रद्धालु इस उद्गम स्थल को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। यहाँ 5 किलोमीटर की सीधी खड़ी चढ़ाई है और दोस्तों आपको बता दें कि गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थान भी है। गंगा जी का मंदिर समुद्र तल से करीब 3,042 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह उत्तरकाशी से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ पर जाना काफ़ी कठिन होता है, इसलिए इस लिस्ट में यह नंबर 9 पर है। दोस्तों इस लिस्ट में जो तीर्थ यात्रा नंबर 10 पर है वह है श्रीखंड यात्रा। श्रीखंड हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास स्थित है। यह यात्रा बेहद ही दुर्गम होती है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सुंदर घाटियों के बीच से एक ट्रैक है
और दोस्तों आपको बता दें कि श्रीखंड महादेव की चोटी पर पहुंचने के बाद आपको दुनिया का सबसे विशाल शिवलिंग देखने को मिलेगा जिसकी ऊंचाई करीब 72 फीट है, इसलिए इस लिस्ट में यह नंबर 10 पर है। तो दोस्तों यह थी भारत के 10 सबसे खतरनाक तीर्थ स्थलों की लिस्ट। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।